हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हो। गाइस, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आज हम जा रहे हैं मथुरा अपने दोस्तों के साथ। ये देखिए, ये सारे मेरे दोस्त हैं, अजय भाई, अंकित, हर्ष, बंसी, राहुल। अब हम जा रहे हैं मथुरा, वृंदावन के दर्शन करेंगे बिहारी जी महाराज के। और आप ना हमारे साथ बने रहिए हमारे ब्लॉग में। गाइस, हम लोग चलते चलते अभी हम मथुरा हाईवे पर रुके हुए, अपने दोस्तों का भी वेट कर रहे हैं। सोचा कि जय गुरुदेव का आश्रम बड़ा, सोचा हमने इधर ही वेट करें। ये देखिए आप, जय गुरुदेव का आश्रम है, पूरा दृश्य देखिए। तो अभी हम बीच हाईवे पर रुके हुए अपने दोस्तों का वेट करने के लिए। हर्ष भाई अपनी वीडियो बना रहे हैं अकेले, मैं और हर्ष एक गाड़ी देते, इसलिए हम लोग आगे हैं, सारे लोग पीछे रह चुके हैं। लोग आए, सब हम लोग आ चुके हैं वृंदावन। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी वृंदावन के पुल के नीचे खड़ा हुआ हूँ। ये हमारी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये सारे मेरे दोस्त अपनी फोटो कराने में लगे हुए हैं। ये देखिए, अंकित भाई फोटो करा रहे हैं। ये मेरो वृंदावन जो गेट है, यहाँ सारे लोग फोटो कैप्चर कराते हैं। इसमें सारे दोस्त पागल हो रखे हैं फिर फोटो कराने के लिए। यहाँ बिहारी जी के लिए ये रास्ता है, प्रेम मंदिर, बिहारी जी, माता रानी का मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल भी है। ये वाला जो रोड है, आप जैसे कि देख सकते हो, ये रोड पूरा दिल्ली से आ रहा है और ये रोड आगरा से आ रहा है। यही रास्ता है बिहारी जी के जाने के लिए, मेरो वृंदावन। बोलो राधे राधे। तो हम लोग है ना वृंदावन जी के मार्ग पर जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरो वृंदावन का गेट है। अब हम वृंदावन जी के मार्ग पर जा रहे हैं, बिहारी जी के मार्ग पर जा रहे हैं। गाइस, अब हम लोग आ गए हैं प्रेम मंदिर। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पीछे प्रेम मंदिर है। अभी तो हम नहीं जा सकते क्योंकि रात के 11 बज रहे हैं और प्रेम मंदिर की एंट्री बंद है। वैसे तो काफ़ी सारी लाइटिंग होती है इधर, आज तो थोड़ी सी कम है क्योंकि लेट नाइट हो गई है। अब हम सबसे पहले जाएंगे अपने होटल, होटल में रेस्ट करेंगे, वहाँ के बाद सुबह निकलेंगे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। फिर उसके बाद ये सब चीज़ कवर करेंगे, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल एंड माता रानी मंदिर। बोलो राधे राधे। हम लोग आ चुके हैं वृंदावन, हमने होटल में रूम ले लिया। जैसे कि आप देख सकते हो, सारे हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। रात का बज रहा है 1:30। अजय भाई की बॉडी देखिए, फुल मस्कुलर बॉडी है। रात का बज रहा है 1:30, अब हम निकलेंगे यहाँ से 1 घंटे बाद 2:30 बजे प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करेंगे। अभी हमारे महाराज जी निकलने वाले हैं, बस आप उनके दर्शन करना, हम भी उनके आपको दर्शन कराएंगे। अभी बस 5-10 मिनट में निकलने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, श्री प्रेमानंद जी महाराज आ चुके हैं हमारे सामने। मैंने आपको अभी श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन कराए। ये उनका मार्ग स्थल था, जो यहाँ से निकल चुके हैं प्रेमानंद जी महाराज। देखिए आप देख सकते हो कितनी भीड़ हो रही थी। जितना मुझे कवर करने की कोशिश की है मैंने, उतना कवर हो पाया, और जितना नहीं हो पाया उतना नहीं हो पाया। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हो गए। गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। गाइस, सुबह के 9 बज रहे हैं, हम जा रहे हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल रात को सुबह 4 बजे निकलेंगे और सारे भाई लोग सोते रह गए, कोई उठ ही नहीं पाया। अब हम जा रहे हैं, हम होटल से बाहर निकल चुके हैं। जैसे देख सकते हो अंकित भाई, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, हम आपको पूरा दृश्य कैप्चर करेंगे यहाँ तक हो सकता है। वैसे तो अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, पर हम कोशिश करेंगे जो भी यहाँ तक कैप्चर हो पाए। गाइस, हम लोग आ चुके हैं बाहर। जैसे कि आप देख सकते हो, पूरे मार्केट का नज़ारा, काफ़ी भीड़ है आज, रक्षाबंधन का दिन है। गाइस, आज देख सकते हो यहाँ पे राधे राधे की टी शर्ट मिल रही है। अजय भाई लेने के लिए गए हुए हैं। अजय भाई कितने ये? 150 की। आपने चलो यार, हम मत पूछो यार, कितने ऐसी है। गाइस, मुझे कुछ नहीं लेंगे ये, ऐसी सबको मजे लेते हुए जा रहे हैं, और कुछ नहीं इनका काम। अजय भाई तो हमारे ऐसे हुए हैं। हम सब लोग भाइयों ने तिलक लगवा लिया है। अंकित भाई और अरुण भाई तो टी शर्ट खरीद के लेकर आए हैं, देखिए दोबारा लौट के गए हैं टी शर्ट पहनने के लिए। जैसे ही आप देख सकते हो, ये पूरा पीछे बिहारी जी महाराज का बोर्ड लगा हुआ है, ये यहाँ पे राइट हैंड पर रास्ता है। वो बाकी बिहारी जी आपको दर्शन कराते हैं, हम पहुँचने वाले हैं। बस अभी हम आराम से चलते जा रहे हैं, आप भी देख रहे हो, आपको ब्लॉग में दिखाई रहे हैं हम आपको। अभी कैसा लगा आपको ये होता है? सौभाग्य हुआ अगर मोबाइल अला हुआ तो आपको बिल्कुल दर्शन कराएंगे। रात के श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने का कैसा आपको अच्छा लगा? अरे बहुत मजा आया उनको दर्शन करने के बाद। बताओ, प्रेमानंद महाराज जी तो बहुत कर रहे हैं, आपको तो पता ही, सब उनकी तो बात ही अलग है। जो गाइस, ये बंदर ऊपर चश्मा लेके जा रहा है, जब कभी भी आप लोग आओ तो अपने चश्मे का बड़ा ध्यान रखें। देखिए ये बंदर चश्मा लेके जा रहा है।
गाइस अब हम लोग आ चुके हैं वृंदावन बागी भाई लाल जी के मंदिर पर। यहाँ से हमने प्रसाद किया दुकान से, गाइस हम लोग आ चुके हैं बागी भाई लाल जी के मंदिर दर्शन किए। बाकी लोग पीछे खड़े, आप देख सकते हो लाइन कितनी लगी है, लेकिन हम लड़ लड़ाई कैसे करके, लेकिन भगवान जी के पास हमको जाना था, हम पहुंचे, हम दर्शन कर आएंगे गाइस। हम रूम चेकआउट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सब लोगों की पैकिंग हो चुकी है। अब इसके बाद जाएंगे इस्कॉन टेम्पल, फिर वहाँ के बाद प्रेम मंदिर, फिर उसके बाद जाएंगे अपने घर। गाइस हम लोग आ चुके हैं इस्कॉन टेम्पल, जैसे कि आप देख सकते हो हम इस्कॉन टेम्पल चल रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। चलिए अभी आपको हम पूरा दृश्य दिखाते हैं इस्कॉन टेम्पल। जैसा कि आप देख सकते हो मैं अभी इस्कॉन टेम्पल पे हूँ। इधर देखिए ये भंडारे की लाइन लगी हुई है प्रसाद की, कभी भी आइएगा, हमेशा यहाँ पे प्रसाद मिलता रहता है, भंडारा एनी टाइम चलता रहता है। ये मेरे दोस्त हैं सारे प्रसाद खा रहे हैं, काफी अच्छा प्रसाद आएगा, आइएगा आप तो एक बार जरूर खाइएगा प्रसाद। राधे राधे। मैं भी देखता हूँ कैसा कैसा जरा चेक करिएगा। गर्म है काफी क्या? आप लोग प्रसाद चेक करिए, बहुत बढ़िया प्रसाद है। आप लोग इसको टेम्पल आइए, बहुत अच्छा टेम्पल है, बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। गाइस हम लोग आ चुके हैं प्रेम मंदिर, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पीछे प्रेम मंदिर है। गाइस अभी इसके प्रेम मंदिर के पट जो है ये बंद हो चुके हैं, अभी बज रहा है 1:30 बजे से पहले पट बंद हो जाते हैं, अब पट खुलेंगे 4 बजे करीब। जैसे ही कभी आपको आना हो तो 4 बजे करीब आइए, वरना फिर 12 बजे से पहले आइए। जैसे ज़्यादा बेस्ट टाइम तो फिर रात को ही रहता है 4 बजे के बाद आने का, क्योंकि लाइटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी होती है मंदिर की, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब हम रुक नहीं रहे हैं गाइस, अब हम निकल रहे हैं सीधे घर के लिए, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम आ गया है हम लोगों को, तो हम आपको बाहर से ही बस प्रेम मंदिर के दर्शन करा देते हैं। दे देखिए प्रेम मंदिर भाई, जैसा कि आप देख रहे हो मैं माता वैष्णो देवी के मंदिर आ चुका हूँ। ये देखिए आप पीछे माता वैष्णो देवी की मूर्ति, काफ़ी बड़ी मूर्ति है गाइस। थोड़ा सा मैं लेट हो रहा हूँ इसलिए मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ गाइस, अभी थोड़ा सा काम भी है मुझे, अभी मैंने बताया था आपको प्रेम मंदिर पर भी। अब अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं इधर ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, राहुल पंडित ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, प्यार हमारी वीडियो में बरसा दीजिए, मिला तो सब जगह है ना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी बोलो राधे राधे।